Good morning, class 8. Hope you all are fine. I am Babita Juneja, and today I will teach you chapter number 4, 3 questions from your English reader book. Now here it is your lesson, 3 questions. A thought came to the mind of a certain king. Ek raja ke dimag mein ek din ek khayal aaya. He thought he would never fail in anything if he knew 3 things. उसने सोचा कि अगर उसको 3 बातों का जवाब मिल जाए तो किसी भी चीज़ में वो फेल नहीं हो सकता काम में. नंबर 1, द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, कि कोई भी काम करने के लिए सही समय क्या है. नंबर 2, द राइट पीपल टू लिसन टू, और किस आदमी की बात उसको सुननी चाहिए. एंड नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और वो कौन सा ज़रूरी काम है जो उसे करना चाहिए. मतलब कि राजा सोचता है कि अगर मुझे 3 चीज़ों का जवाब मिल जाए, कि एक तो मुझे ये पता लग जाए कि कौन सा सही समय है जब मुझे काम करना चाहिए, नंबर 2 पे वो कहते हैं कि मुझे कौन सा सही व्यक्ति है जिसकी मुझे बात सुननी चाहिए, नंबर 3, और वो कौन सा ज़रूरी काम है जो मुझे करना चाहिए, अगर मुझे इन 3 बातों का जवाब मिल जाए तो मैं किसी भी काम में हार नहीं सकता. द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ अपने दूत भेज दिए. He promised a large sum of money to anyone who would answer these questions. उसने ऐलान करवाया कि जो भी मुझे इन 3 बातों का जवाब सही ढंग से देगा, मैं उसे बहुत पैसा इनाम में दूंगा. Many wise men came to the king with their answers. बहुत समझदार लोग राजा के दरबार में आए अपने अपने जवाब लेकर. But their answers were all different. पर उन सबके जवाब अलग अलग थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. राजा के पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने राजा को जवाब दिया कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए. अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग. कुछ लोगों ने कहा कि पहले से ही ये समझ लेना कि हमें कौन सा सही समय में काम करना है, ये तो मुश्किल है. देयर फॉर द किंग शुड नोटिस एवरीथिंग एंड डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. कहते इसीलिए राजा को ये खुद देखना चाहिए कि कौन सा सही काम है और कौन सा सही वक्त है और उस वक्त उसको क्या काम करना चाहिए. येट अदर सेड द किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू टेल हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि राजा को अपनी एक मंत्री परिषद रखना चाहिए समझदार लोगों की, जो कि उसको सही समय आने पर काम करने के बारे में बता सके. सम अदर सेड द किंग मस्ट हैव मैजिशियंस. कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि वो जादूगर रखे. ओनली मैजिशियंस कुड लुक इन टू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन. और वही जादूगर जो हैं राजा का भविष्य देखकर उसको सही समय की जानकारी और सही काम करने के बारे में बता सकते हैं. इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस. इसी तरह दूसरे सवाल के लिए भी सबके अलग अलग जवाब थे. सम सेड द राइट पीपल फॉर ए किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सही व्यक्ति जो है, राजा को जो अपने जो बात सुननी चाहिए सही व्यक्ति की, वो उसके एडवाइजर्स जो उसको सलाहकार हैं उनकी बात सुननी चाहिए. अदर साइड हिज सोल्जर्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम एंड सो ऑन. कई लोगों ने राजा को उसके लिए मंत्री जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बताए. टू द थर्ड क्वेश्चन सम साइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस. अब तीसरे सवाल के जवाब में राजा को लोगों ने सुझाव दिया कि विज्ञान ही उसका हल है. अदर साइड इट वॉज वॉरफेयर. Still other said it was religious worship. कुछ लोगों ने उसका जवाब युद्ध दिया और कुछ लोगों ने religious worship, धार्मिक पूजा पाठ बताया. All the answers were so different that the king was not satisfied. सभी जवाब इतने अलग अलग थे कि राजा को संतुष्टि नहीं हुई. He gave no one any reward. उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया. Now he decided to seek the advice of a certain hermit who was known for his wisdom. राजा ने फैसला किया कि वो एक खास साधु के पास जाएगा जो कि अपनी समझदारी के लिए जाना जाता है. दिस हर्मिट लेफ्ट इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. राजा एक जंगल में जो साधु था वो एक जंगल में रहता था और वो उस जंगल को वो कभी नहीं छोड़ता था. ही मेट नन बट कॉमन पीपल. वो किसी को नहीं मिलता था सिवाय एक साधारण व्यक्ति के. सो द किंग पुट ऑन वेरी सिंपल क्लोथ्स. इसलिए राजा ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने. बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हट ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स.
राजा की झोंपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा अपने घोड़े से उतर गया। ही लेफ्ट अ हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा ने जंगल में एक जगह पर अपना घोड़ा और अपने अंगरक्षक को वहीं छोड़ा और आगे अकेला चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। राजा जैसे ही उस साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचा, राजा ने देखा कि साधु जो है अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन की खुदाई कर रहा है। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। साधु ने राजा को प्रणाम किया और लगातार खुदाई करता गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। वो साधु जो था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। एज ही वर्क्ड ही ब्रेथ हैवली। जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांस भारी हो रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू नो फ्रॉम यू द आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस। राजा ने साधु से कहा कि ओ समझदार साधु, मुझे पता है कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी एंड वट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन? अब राजा ने साधु से सवाल पूछे, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? एंड वट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन? और मुझे कौन से पहले काम जो हैं उन पर पहले मुझे ध्यान देना चाहिए? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। साधु ने राजा की बातें सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो लगातार खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग। राजा ने कहा, आप थक गए हो। लेट मी हैव द स्पेड एंड डिग फॉर यू। राजा ने कहा, लाइए मुझे वो फावड़ा दे दीजिए, आगे की खुदाई मैं करता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट। साधु ने उसको धन्यवाद कहा। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग। उसने अपना फावड़ा राजा को दे दिया एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वहीं जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स। जब राजा ने दो जमीन के दो पग खुदाई कर ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। वो रुका और उसने अपने प्रश्न जो हैं वो दोबारा दोहराए। स्टिल द हर्मिट गेव नो आंसर। राजा साधु के पास अभी भी कोई, साधु ने उसको अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ही स्टूड अप, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड टू द किंग, यू कैन रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क। साधु उठा, उसने अपना हाथ फावड़े के लिए आगे बढ़ाया और राजा से कहा, अब कुछ तुम कुछ देर आराम कर लो, अब मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। पर राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। ही कंटिन्यूड डिगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी देर तक खुदाई करता रहा। द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, आई केम टू यू टू नो द आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। इफ यू हैव नन टू गिव, प्लीज टेल मी सो आई विल गो बैक होम, इट इज गेटिंग लेट। अब राजा ने फावड़ा वहीं पर जमीन पर रखा और साधु से कहा, हे साधु, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया था अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है तो कृपया मुझे बता दें, मैं वापस चला जाऊंगा क्योंकि मुझे देर हो रही है। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा, लगता है कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके हाथ जो थे वो पेट की तरफ, उन्होंने पेट को पकड़ा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जब वो राजा के नज़दीक पहुंचा, वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोदिंग एंड फाउंड लार्ज वूंड इन हिज स्टमक। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वूंड विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने अपने रुमाल से उसका जख्म साफ किया और उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। पर खून अभी भी लगातार बह रहा था। द किंग ड्रेस द वूंड अगेन एंड अगेन। राजा बार बार उसके जख्म को पट्टी कर रहा था। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अंत में खून बहना बंद हो गया। स्टूडेंट्स, दिस इज रेस्ट फॉर द डे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी क्लियरली। इफ़ यू हैव बुक्स विद यू, कीप रीडिंग योर चैप्टर। नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।